नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। देश के बाकी राज्यों की तरह कोविड महामारी के संकट से जूझ रहा हिमाचल प्रदेश त्रासदी के इस दौर से तेजी से उबर रहा है और काफी हद तक सामान्य स्थितियां बहाल होने लगी हैं। विश्व भर में पर्यटन राज्य के रूप में मशहूर हिमाचल प्रदेश में इस महामारी की वजह से पर्यटन व्यवसाय काफी समय से लगभग पूरी तरह सिमट गया था, लेकिन पर्यटन गतिविधियां खुलने के बाद प्रदेश के सभी पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हो उठे हैं। यहां की खूबसूरत वादियों और सुहाने मौसम में फुर्सत के पल बिताने देश और विदेश से पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, अटल टनल रोहतांग, किन्नौर और लाहौल व स्पीति घाटी सहित विभिन्न जिलों के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों का तांता देखा जा रहा है। पर्यटकों की आमद से कई महीनों तक मंदी की मार झेल रहे होटल कारोबार से जुड़े व्यवसायियों, टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों तथा टूरिस्ट गाइडों के चेहरे भी खिल उठे हैं। आज हिमाचल बुलेटिन से बातचीत करते हुए शिमला आए कुछ पर्यटकों ने कहा, हिमाचल में घूमने का मेन हमारा मोटिव यही होता है कि जैसे मैंने बताया मैं राजस्थान से हूँ, तो वहाँ गर्मी बहुत होती है। एक यहाँ एक ठंडा सा इन्वायरमेंट है जो हमें मतलब साई फील कराता है, और एक यहाँ मतलब काफ़ी साइड से लोग आते हैं, जरूरी नहीं राजस्थान से आते हैं, काफ़ी और स्टेट से आते हैं, तो जैसे सोशलाइज होने का मौका मिलता है तो बंदा बहुत कुछ सीखता है। और अपने देखते हैं सर्विस के अकॉर्डिंग भी, मतलब क्या है कि हिमाचल ही सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस में, क्योंकि यहाँ पे मतलब ठीक है हिल्स की ब्यूटी लोग देखने आते हैं, नेचर को एक्वायर करने आते हैं, और काफ़ी कुछ है यहाँ पे। ये एक्चुअल एक बड़ा ही बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सो वी आर फ्रॉम जीरकपुर, तो ये मिनिमम हमारे रेंज में एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ की व्यवस्था इज़ ए वेरी फाइन। सो सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ आना इज़ द बेस्ट इन दिस पैंडेमिक, स्पेशली इस कोविड के समय में। और वैसे भी ब्यूटी तो है ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल नॉइस पॉल्यूशन तो है ही नहीं कहीं पे, नॉइस पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन नाम की चीज़ नहीं है कि हम बेसिकली जहाँ से आ रहे हैं धनबाद से, वहाँ बहुत पॉल्यूशन है, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब दिमाग एकदम रिफ्रेश हो गया है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है। हिमाचल की खूबसूरती बहुत अच्छी है, और जो यहाँ पे हमारे मतलब कि हनुमान जी का जो बहुत बड़ी एक जो मूर्ति बनाई गई है, ऊँची हाइट है, और जाकू हिल्स की पहाड़ियाँ हैं वो, और जो हम लोग टॉय ट्रेन से आए कालका से, वो जो बीच रास्ते में हमें जो सीनरी वगैरह और जो मतलब कि जो देवदार के पेड़ वगैरह दिखे, और जो मतलब कि व्यू दिखे पॉइंट्स, बड़े अच्छे लगे। और शिमला का जो माल रोड का चर्च का जो ये इधर का व्यू है वो भी बहुत अच्छा है। हम तो यहाँ दूसरी बार आए, इससे एक बार पहले भी आ चुके हैं, तो हम कभी भी अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम उनको रिकमेंड करेंगे कि एक बार जाओ आप शिमला होके आओ। दूसरा यहाँ पे अच्छा लगा कि जो लोग यहाँ पे जितनी हेल्प करते हैं ना, वो बहुत अच्छा रहा, बहुत सपोर्टिव लोग हैं यहाँ के, ठीक है। अगर आपको कुछ भी किसी से बात करनी हो, पता करना हो, मतलब बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं यहाँ। वन एनवायरमेंट तो है ये शिमला का अच्छा, वेदर बहुत अच्छा है, और आगे चले जाइए कुफरी, नरकंडा, वहाँ पर भी बहुत अच्छा है, लेकिन शिमला का एक अपना अलग ही व्यू है, सारा मतलब बहुत परफेक्ट है, और कोई मुकाबला नहीं है पूरे हिमाचल में शिमला का। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 378 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 142 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 224 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 34,85,102 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 32,65,432 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 219,412 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 214,478 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,249 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।